इस मिट्टी को तुम अपना ड्रीम बोलते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है जिसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला हुआ है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ जिससे ये मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की, मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लेटर लिखकर दे दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी न दी जाए। मैं जब 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए थे और जब मेरे गुरु करतार सिंह जी ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी तब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच ही पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर उससे पहले तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे बता देना, मैं पर्सनली जाकर ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। भगत सिंह, योर लास्ट विश, कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी?